हेलो प्यारे स्टूडेंट बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 का हमारा। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये जो हमारे पास सर्कल दिया हुआ है इससे रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से को रिलेटेड है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वीडियो देखा है तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको हमारा जो थियरम 10.8 और 10.9 है ना, वो डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो उन्हीं थियरम्स का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। और बाकी जो मैं आगे की वीडियोज बनाऊंगा, आपको पता है हमेशा की तरह उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है फिगर जो 10.37 बना हुआ है, इसमें जो पी क्यू आर है, ये वाला एंगल, ये 100 डिग्री का है। और जो पी क्यू आर है ना, वेयर पी क्यू और आर जो है वो पॉइंट से सर्कल के जिनका सेंटर ओ है, साफ साफ दिख ही रहा है। अपने क्या करना है, ओ पी आर जो एंगल है, ओ पी आर छोटा सा जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसका ही मेजरमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहां पर अपने पास देखो, या इधर एंगल बन रहा है ना, तो हमको इसके अपोजिट वाला जो एंगल है ये पता होना जरूरी है, ताकि हमारे पास ये क्या आप कह सकते हो आप लोग, ये देखो आपको क्वाड्रिलेटरल तो दिख रहा होगा, लेकिन क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल नहीं। हमने आपको क्या समझाया था पिछले वाले वीडियो में कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों साइड जो है वो सर्कल के ऊपर, यानी चारों के चारों जो पॉइंट्स होंगे, कॉर्नर जो होंगे, वो सर्कल के ऊपर आने चाहिए। तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो आ रहा है, लेकिन ये तो बीच में है, सेंटर में है, सर्कल के ऊपर तो नहीं आ रहा है ना, हम कह रहे हैं सर्कल के साइड में आना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे और इसको ऐसे बढ़ा करके मिला देंगे, ताकि हमारा एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल बन जाए जो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, और वहां से फिर हम लोग को एंगल जो है ना आसानी से मिल जाएगा। चलिए कैसे बनाना है मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ फटाफट। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे दूसरे साइड में, यहाँ पर जो हमारे पास आर्क बना हुआ है, ये पी क्यू आर जो है एक आर्क है ना, तो इसके अपोजिट में हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया एस। अब इनको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो उससे क्या हो गया कि जो मेरा पी क्यू आर एस है, एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर 100 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर कितना का बनेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर 80 डिग्री का बनेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, उसको हम लोग को निकाल करके दिखाना पड़ेगा। इस टाइप से आप लोग लिख लो कि पी क्यू आर एस जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए हमारा एंगल जो पी क्यू आर है उसमें अगर हम लोग प्लस करेंगे एंगल पी एस आर को, तो हमारा जो सम निकलेगा 180 डिग्री निकलेगा। ये हमारा थ्योरम नंबर 10.9 है। आप लोग यहाँ पर थ्योरम को पूरा लिख सकते हो, जो भी थ्योरम अपने को दिया हुआ है। इस टाइप से आप लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी एस आर का वैल्यू निकाल लेंगे। पी क्यू आर का वैल्यू अपने को पता ही 100 डिग्री है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा एंगल पी एस आर जो है वो हो जाएगा 180 और माइनस में 100 डिग्री। हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और इधर ये प्लस में था, इधर करके माइनस में हो गया, तो एंगल पी एस आर यहाँ से निकल जाएगा हमारा 80 डिग्री, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया यहाँ पर ओरिजिनली निकाल करके। तो अगर पी एस आर हमारा 80 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है जो सेंटर में एंगल बनेगा वो डबल बनेगा। हमारा थ्योरम नंबर 10.8 आप याद कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी किसी आर के द्वारा हमारा सेंटर में एंगल बनता है तो वो डबल होता है उस आर के द्वारा कहीं दूसरे जगह पर बने हुए एंगल के। तो यहाँ पर अगर 80 बन रहा है तो ये हमारा 80 का डबल हो जाएगा 160 डिग्री का। ओके, तो इसको हम लिखेंगे इस टाइप से कि हमारा जो एंगल पी ओ आर है वो क्या है, डबल है हमारे एंगल पी एस आर के। ठीक है, समझ में आया ना, ये वाला एंगल डबल है इसके। तो हमारा अब डबल निकालने के लिए क्या करना है, बस इसका डबल कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई पी एस आर हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा हमारा 160 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 160 डिग्री का बन रहा है। अब बहुत ही सिंपल, अब हम लोग ये वाला एंगल तुरंत निकाल लेंगे। हम क्या जानते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सम प्रॉपर्टी, एंगल क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग आप जानते हैं उस नाम से जानते हो, या फिर सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग नाम से उसको हम लोग जानते हैं। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 है तो ये दोनों कितने के होंगे, जाहिर सी बात है ये दोनों 10-10 डिग्री के ही होंगे ना। क्यों होंगे 10 डिग्री के, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड हमारा आपस में इक्वल है, और अपोजिट साइड के जो हमारे इक्वल साइड होते हैं उनके अपोजिट में जो एंगल बनते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों 10-10 के होंगे, तभी तो 20 आएगा, और 20 और 160 मिलाकर के 180 हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे ही लिखोगे कि नाउ इन ट्रायंगल POR, हमारा जो ट्रायंगल POR बन रहा है उसमें ये वाला एंगल, इसका नाम मैं एंगल नंबर P दे देता हूं, ठीक है, डायरेक्ट इसका नाम देता हूं एंगल नंबर P, प्लस में एंगल नंबर O, ये बीच वाले का नाम O दे दे रहा हूं, और ये वाला लास्ट वाले का नाम दे देता हूं एंगल नंबर R। तीनों का जो सम होगा ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारा ये वाला साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पर आप लोग इसको भी पहले डिनोट कर देना कि हमारा जो OP है वो इक्वल है OR का, क्योंकि दोनों क्या है, सर्कल का रेडियस है, O से लेकर P तक ये भी रेडियस है, और O से लेकर R तक ये भी तो रेडियस है ना। तो OP और OR अगर इक्वल है तो इसलिए हमारा जो एंगल P होगा और एंगल जो R होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
इक्वल। इस टाइप से आप लोग यहाँ पर एक थ्योरम बना करके लिख सकते हो कि जो एंगल होते हैं अपोजिट में इक्वल साइड के, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी और आर आपस में इक्वल है, तो मैं इन दोनों के बदले में किसी का भी एक नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे एंगल पी की जगह पर एंगल पी रखने देता हूँ, ओ के जगह पर एंगल ओ रहने देता हूँ, और आर की जगह पर भी एंगल पी लिख देता हूँ, इक्वल के साइड में 180 डिग्री, क्योंकि अपने को पी का ही तो वैल्यू निकालना है ना, ओ पी आर का ही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमारा पी और पी मिलकर हो जाएगा 2P, यानी 2 एंगल P। ओ के जगह पर हम लोग ओ का वैल्यू जानते ही है, पी ओ आर का वैल्यू 160 है, तो 160 को डायरेक्ट इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस में 160। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर टाइम बचाने के लिए ट्रांसफर कर रहा हूँ, एग्जाम में अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे फिर ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ से हमारा जो है 2P का, यानी 2 एंगल P का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा 20 डिग्री। अपने को तो एंगल P का केवल जानना है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 डिग्री का। तो P का मतलब कौन सा, P मतलब OPR। तो ये भी आप यहाँ पर अब डिटेल में लिख दो कि एंगल हमारा जो OPR है वो हो जाएगा 10 डिग्री का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, थियरम अगर आपको 10.9 पता है ना, 10.8 जो थियरम है, अगर आपको वो सब पता है, यहाँ पर जैसे हमने 10.8 का यूज़ किया था, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ थियरम नंबर 10.8, ठीक है। तो आप ये सब क्वेश्चंस को एकदम सिंपली सॉल्व कर लोगे चुटकी बजाते ही। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।